लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर बेहद गंभीर भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में 70 से ज्यादा सीट जीतने का है। लखनऊ और कानपुर में बूथ अध्यक्षों को संबोधित करने के बाद शुक्रवार को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ उत्तर प्रदेश के प्रभारी जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ अमरोहा पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह का स्वागत करने के साथ ही बीजेपी के बूथ अध्यक्षों में जोश भरा। गजराला के रमाबाई कॉलेज के मैदान में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों के हितों में काम किया है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भारत माता की जय के नारे के साथ अपना संबोधन शुरू किया। अमित शाह ने कहा, उत्तर प्रदेश से ही देश का सबसे मजबूत रास्ता जाता है और मोदी सरकार यूपी को लेकर बेहद गंभीर। एक जनपद एक उत्पाद का उत्पाद ढोल बजाकर यहां के चुनाव की शुरुआत करेंगे। जब मैं चुनाव घोषणा पत्र बना रहा था उस वक्त एक जनपद एक उत्पाद का विचार आया था। कुछ लोगों ने हमारी पेटी के अंदर सुझाव डाला। मुझे मालूम नहीं था कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मेरे मन में भी दुविधा थी, मगर योगी जी ने डेढ़ ही साल में 80 के 80 जनपदों के लिए एक जनपद एक उत्पाद का काम समाप्त कर दिया। एक ही साल के अंदर ओआरओपी को फाइनल कर दिया, वन रैंक वन पेंशन को फाइनल कर 8,000 करोड़ रुपया जवानों के बैंक अकाउंट में भेजने का काम। मगर कांग्रेस भी वन रैंक वन पेंशन लाई है, एक वन रैंक वन पेंशन वो भी लाए हैं। मालूम है आपको उनका वन रैंक वन पेंशन क्या है? मोदी जी का ओआरओपी है जवान के खाते में पैसा पहुंचाना, उनका वन रैंक वन पेंशन है ओनली राहुल ओनली प्रियंका। मध्यम वर्ग के सारे व्यापारी, मध्यम वर्ग के सारे नौकरीशुदा लोग उनकी 5 लाख तक की इनकम को जीरो इनकम टैक्स करकर मोदी जी ने कल बहुत बड़ी राहत देने का काम। संसद में इस देश के गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए सर्वस्पर्शी सर्वग्राही और समावेशी बजट जिस रूप में प्रस्तुत किया गया वह सचमुच सबका साथ और सबके विकास की इस अवधारणा को साकार करता है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इसके लिए हृदय से अभिनंदन करते हैं। मित्रों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बात को कहते हैं कि चुनाव जीतने का मंत्र हमारे बूथ से जाता है, और बूथ का मतलब कि मेरा बूथ सबसे मजबूत। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने बूथ की मजबूती के लिए, अपने बूथ की रक्षा करने के लिए जहां पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है, और आज आप सबकी उपस्थिति इस बात को यहां पर पूरे उत्साह के साथ प्रदर्शित कर रही है, वहीं साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का प्रत्येक परिवार भी कहेगा कि मेरा परिवार भाजपा परिवार। और यह भाव हमें 2019 के लोकसभा चुनाव के पूर्व सबके सामने प्रस्तुत करना है, और यह इसलिए भी आवश्यक है कि आजादी के बाद पहली सरकार मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है, जिस सरकार ने बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को समाज के प्रत्येक तबके तक बिना भेदभाव पहुंचाने का कार्य किया। क्या वो किसान हो, क्या वो नौजवान हो, क्या वो मजदूर हो, क्या वो महिलाएं हो या फिर व्यापारी हो, सबके हितों के लिए कार्य करने वाली केंद्र की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार और उसी सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त करके आज प्रदेश के अंदर विगत 2.5 वर्ष के दौरान इसी तर्ज पर हम सब कार्य कर रहे हैं। हम जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, सचमुच विधानसभा चुनाव में जब हम पिछली बार आए थे तो विधानसभा चुनाव में एक ही बात उठती थी कि यहां पर सत्ता के संरक्षण में प्राप्त गुंडे और एक वर्ग विशेष के गुंडे बहन बेटी
भाइयों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। और आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन गुंडों को कहां पहुंचाने का कार्य किया है। ये गुंडे जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करते थे, ये माफिया जो व्यापारियों का अपहरण करते थे, आज ये गुंडे भीख मांग मांग करके अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। किसी पर हिम्मत नहीं कि किसी का अपहरण कर सके। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपकी सुरक्षा के लिए जहां प्रतिबद्ध है, वहां बिजली 75 जनपदों में से 5 जनपद में बिजली मिलती थी, आज हमने सभी 75 जनपदों को 24 घंटे, 20 घंटे और 18 घंटे की विद्युत का वितरण सुनिश्चित किया है। बिना भेदभाव के किया है, हर एक नागरिक के चेहरे पर खुशहाली लाने का कार्य किया है। आपके पर्व और त्योहारों को पिछली सरकारें नहीं मनाने देती थी, हमने कावड़ यात्रा के माध्यम से कहा कि अपनी यात्रा को पुरजोर तरीके से मनाइए। आपकी आस्था का सम्मान भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और न केवल कावड़ यात्रा और जन्माष्टमी के कार्यक्रम, अगर आपको देखना है तो प्रयागराज में लग रहा कुंभ वर्तमान में देश और दुनिया के सामने आज एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। हम सबको आभार व्यक्त करना चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके अनुकंपा से कुंभ को एक वैश्विक स्वरूप प्राप्त हुआ है। और आज इसीलिए मैं आपके बीच में कहने के लिए आया हूं, ये 2019 का चुनाव, एक तरफ जहां मोदी जी के नेतृत्व में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन की लड़ाई लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होगा, तो दूसरी तरफ इस देश को लूटने वाले, देश को नोचने वाले, देश की सुरक्षा पर सेंध लगाने वाले और भारत विरोधी और इस देश के बहुसंख्यक समाज के विरोधी वे तत्व खड़े होंगे जो इस देश की अपूर्णीय क्षति करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और इसलिए हम सबको तैयार रहना होगा, कोई सेंध न लगाने पाए, कोई आपको जाति के आधार पर न बांटने पाए। और इसकी शुरुआत होती है हमारे बूथ से, हमारे परिवार से। मेरा परिवार भाजपा परिवार और मेरा बूथ सबसे मजबूत। यह भाव जब भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लेकर के चलेगा, कोई कारण नहीं कि मोदी जी के नेतृत्व में और उस समय प्रदेश के प्रभारी के रूप में आदरणीय अमित शाह जी के उस समय की रणनीति में 2014 में भारतीय जनता पार्टी 73 सीटों पर यहां पर विजय प्राप्त की थी। 2019 में हमें 74 प्लस के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना है। और यही आह्वान करने के लिए बंधुओं आज हम सब आपके बीच आए हैं। मुझे आपको एक सूचना और देनी है, और वह सूचना है हमारे गन्ना किसानों का। मित्रों, गन्ना किसान 5 वर्षों से तबाह था। पिछले 2.5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने 51,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान कराया है। और जिन 5-6 मिलों पर गन्ना मूल्य का बकाया है, हमने 10 दिन की सीमा तय की है, आरसी उनकी जारी कर दी है। और हम लोगों ने कहा 10 दिन के अंदर उन गन्ना मूल्य का किसानों का भुगतान हो, अन्यथा फिर सरकार आगे की सख्त कार्रवाई करने के लिए मजबूर भी होगी। और यह एक बार पुनः मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, जैसे कानून व्यवस्था और विद्युत वितरण की व्यवस्था, जैसे किसानों की कर्ज माफी की व्यवस्था, जैसे प्रोक्यूरमेंट के माध्यम से किसानों को एमएसपी से अच्छा दाम देने की कार्रवाई हुई, उसी तर्ज पर हम लोग आपके हितों को हर प्रकार से सुरक्षा प्रदान करेंगे। एक बार पुनः 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए हमारे अग्रिम पंक्ति के सेनानी के रूप में, बूथ अध्यक्षों के नेतृत्व में आप सभी कार्य करें। इस बात को ध्यान में रख करके हम सब पूरी तैयारी के साथ कार्य कर सकें। आपका आह्वान करने के लिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम सब के बीच में आए हैं। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आप सभी हजारों कार्यकर्ताओं की ओर से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक बार पुनः हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद।
जय हिंद।